मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ध्यान में। संस्था के संदर्भ में और शिविर के संदर्भ में चर्चा आपने विस्तार से जानी। हमारी शक्ति निरंतर क्षीण हो रही है, इसलिए मैं अपनी वाणी का उपयोग एक शब्द भी औपचारिकता में खराब नहीं करना चाहता हूँ। और जो जितने हमारे ये 1000 विद्यार्थी हैं, जो विद्वान हो गए हैं, हमारे विद्यार्थी ज़रूर होंगे लेकिन वे उच्च कोटि के विद्वान हो गए हैं, ऐसे 1000 विद्वानों को, और जो अभी प्रेमचंद जी ने बताया कि ऐसे भी बहुत से विद्वान हैं कि जो इन विद्यालयों में नहीं पढ़े लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से वे विद्वान बने हैं। और जब हम 1000 की बात करते हैं तो ऐसे कई विद्वानों ने मेरे से कहा है, उनके मैं नाम भी बता सकता हूँ, कि आप हमें गिनते ही नहीं हो, हम भी एक शब्द भी नहीं जानते थे, पर आप लोगों के शिविरों में आकर पढ़ पढ़ कर इन शिविरों के माध्यम से तैयार हुए हैं और अपने गांव में आज स्वाध्याय करते हैं और इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हो, आप हमें गिनते ही नहीं हो। सच्ची बात है, उनकी शिकायत सच्ची है, लेकिन मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उनसे भी कहता हूँ और सबसे कहता हूँ कि अब गिनती करने का समय हमारे पास नहीं है। गिनती बढ़ती जा रही है, अब पुराना हिसाब किताब हमें देखने की फुर्सत हमें नहीं है, उसमें हम समय खराब नहीं कर सकते हैं। मैं जो बातें सोचता हूँ और उन बातों को बहुत मार्मिक जो होती हैं, और मैं समझता हूँ कि वो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई हैं अभी तक, तो उन्हें पहुँचाने का भाव मेरे मन में आता है। इसलिए कोई भी अवसर हो, कोई भी मौका हो, मैं औपचारिकताओं में नहीं उलझना चाहता। अब मैंने फ़ोन लेना बंद कर दिया है प्रेमचंद जी, और ना मैं उसमें ज़्यादा जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कम सुनने भी कम लगा हूँ, तो मुझे सुविधा भी नहीं है। मैं चिट्ठी पत्री तो बहुत दिन पहले से मैंने छोड़ दी है। जो मरम की बात मेरे ख्याल में आती है वो बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए इन शिविरों में भी मैं अभी किसी शास्त्र को नहीं लेकर ऐसे विषय लिए कभी रोला शतक पे बोलूँगा कि दोहा शतक पर बोलूँगा। इन सब शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन मनन करके समय सार पर, तो मैंने बोला ना करीब 5000 पेज मैंने लिखे हैं और निरंतर अध्ययन किया है। गुरुदेव का तो एक आंकड़ा है कि 19 बार सभा में प्रवचन किया, लेकिन अपन ने तो शुरू से हिसाब रखा ही नहीं। बेहिसाब जो भी किया है तो उसका ही सार एक एक अक्षर इन सब में है जतीश भाई, और वही चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, उसके अलावा मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। वैसे भी मैंने समाधि ले ली है, ये दुनियादारी की बातों में मैं उलझना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो मरम की बात मैं देखता हूँ आपकी वाणी को। मैं जितना बोलता हूँ उससे 10 गुना आप लोगों को सुनता हूँ, और उसमें ये कोशिश करता हूँ समझने में कि भाई मैं जो पहुँचाना चाहता हूँ वो कितनी बात आप तक पहुँची है और वो कैसे पहुँचाई जाए। इसलिए जो भी मौका मुझे मिलता है वो कोई भी औपचारिकता को ना निभा कर मैं वो तत्व ज्ञान की बात ही आपसे करना चाहता हूँ।
इस शिविर में भी मैं दोहा शतक, लोला शतक, इनमें जो मैंने मर्म डाले हैं वो सब बताने की कोशिश करूंगा। एक पंक्ति तब आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। दोहा शतक किसी के पास है? है तो शुरू के दो दोहे बोलो। बबलू बोलो। जनंद कहाँ है? उसे आने की जरूरत क्यों पड़ती है? उसे यहाँ रहना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, दो दो दोहे शुरू के बोलो। मैं सिर्फ आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हेलो हेलो। राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोक। कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर वंदुवर करते हैं कुछ बात। बिल्कुल सीधी सरल भाषा में है बात कही है कि देव सास गुरु को नमस्कार करके उनके स्वरूप के बारे में कुछ चिंतन करते हैं, उसकी कुछ चर्चा हम करते हैं। फिर पढ़ो एक दफे। राग द्वेष से रहित जो जाने लोकालोक, ज्ञानानंदी पुरुष को नम कर दूं मैं धोक। कैसे होंगे वे पुरुष यह चिंतन की बात, उनके स्वरूप पर वंदुवर करते हैं कुछ बात। जो राग द्वेष से रहित हैं, माने बीत राग हैं, लोकालोक को जानते हैं, माने सर्वज्ञ हैं। ये तो आप जानते हो, पालवत पाठ में एक में पढ़ लिया था कि जो बीतरागी सर्वज्ञ होते हैं उन्हें हम भगवान कहते हैं। दो ही क्वालिटी है ना उनकी, एक बीतरागता और एक सर्वज्ञता। वे कैसे हैं कि ज्ञानानंदी पुरुष, वे ज्ञानानंदी हैं, ज्ञानानंद स्वभावी हैं। उनका नाम मैं उनको ज्ञानानंदी विशेषण से याद किया। ज्ञान और आनंद स्वभाव वाले वे वीतरागी सर्वज्ञ उनके स्वरूप का विचार करते हैं और थोड़ी सी अब बात उसकी करते हैं। 100 छंद लिखे हैं, 100 दोहे हैं, इस बात का विचार किया। ये नहीं कि तुम क्या देते हो, क्या लेते हो, कितनी उम्र थे, कहाँ पैदा हुए थे, कौन तुम्हारी माँ थी, कौन तुम्हारा बाप था, किस कुल, कुछ नहीं। काय पर विचार करते हैं, किस बात की बात करते हैं कि तुम ज्ञानानंद स्वभावी हो और तुम वीतराग सर्वज्ञ हो, इस बात पर हम विचार करते हैं। इस पे हम सोचें तो तीसरा छंद बोलो, बहुत अच्छा है। जब न किसी से राग है, जब न किसी से द्वेष, सबसे समता भाव है ना कोई विशेष, पर में कुछ भी करण का भाव नहीं है रंज, इस कारण उन पुरुष के है न कोई परपंच। जब उनके राग नहीं है, जब उनके द्वेष नहीं है, वीतराग बोला ना, उसी बात की बात कर रहे हैं। जब किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, तो एक दुवे पर का कुछ करते ही नहीं है, एक देव दूसरे देव का करता है ही नहीं, और होता भी तो उन्हें किसी का कुछ करने का राग कैसे हो सकता था? ये तो वीतराग हैं, हैं? क्योंकि तुम्हारा भला बुरा करने का भाव उनको कैसे हो सकता है?
जब राग नहीं है, द्वेष नहीं है, तो किसी के कुछ करने का भाव ही नहीं हो सकता है, तो ये सारा प्रपंच कैसे फैल सकता है? क्या क्या प्रपंच? ये सिविल लगाना, ये लगाना, ये लगाना, सब ये भी प्रपंच है। जब उनके राग द्वेष है ही नहीं, तो फिर ये कर देंगे, ये कर देंगे, पासनाथ ये करते हैं, शांतिनाथ ये शांति करते हैं, पासनाथ रक्षा, ये सारा चक्कर आया कहाँ से? तुमने एक दफे इस पर विचार किया होता कि वो बीत राग हैं, तो ये बात कहाँ से खड़ी होती है? हे प्रभु मेरा ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, मैं इंद्राधिक पद नहीं चाहता हूँ, विषयों में नहीं लुभाता हूँ, बस इतना सा कर दीजिए। तूने बताया ना थोड़ा काम, उन्हें उसने कुछ तो काम बताया है। इसका मतलब है कि तू बे किसी का कुछ करते नहीं है, ये जो उनका स्वभाव है ये तू नहीं जानता। अब इसकी बात कर, इसकी बात क्यों नहीं करें? इस पर तूने क्यों नहीं सोचा कि मैं पांच इंद्रियों के विषय नहीं मांगता हूँ, मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री का पद नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयन में ना ही लुभाऊँ, और रागादिक दोष हरीजे परमात्म निज पद दीजिए। वाह वाह, मैं दौलत राम जी का सबसे बड़ा भगत हूँ। हिंदी साहित्य में जो स्तुति साहित्य है उसमें दौलत राम जी को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। सकल के गायक तदपि, ये स्तुति का मैं बहुत बड़ा भगत हूँ। फिर मैं कह रहा हूँ कि इतना कर दो बस खत्म, मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, बस रागादि के दोष हरी दे, मेरे राग द्वेष हरण करो और बस अपना पद दे दो। बस मोदी जी मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, आप कुर्सी खाली कर दो और मुझे बैठा दो, जितने तुम्हारे वोटर हैं उन सबसे कह दो कि प्रेमचंद जी को बैठा दो, इतना चाहता हूँ बस। कुछ नहीं चाहते ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इसकी इस पर चिंतन करो ना, इस पर कुछ बात करो ना। क्या बात करें? कि वे किसी को कुछ दे सकते हैं और ले सकते कि नहीं, वे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त हैं कि नहीं, इसकी बात क्यों नहीं करते हो? पूरे 126 में ही लिखे जतीश भाई, मैंने वो लिखा भरत, भरत का अंतर्द्वंद, तो उसमें कितने पीयूष कितने कितने लिखे, 200 से ज़्यादा छंद भगवान की भक्ति के लिखे, और उसमें एक शब्द ऐसा नहीं है कि ये दे दो ये ले लो, कि ये देते हो ये करते हो, बस वीतराग का। और ये एक्स्ट्रा हैं इनमें, और स्तुतियों छंदों में एक्स्ट्रा छंद हैं, कम से कम इन दिनों में 500 छंद लिखे होंगे मैंने जो भगवान की भक्ति के ही हैं। जो आप लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो मैं नहीं सुन नहीं सकता है? क्या है इस पर कोई विचार करने को तैयार नहीं है कि वे कुछ लेते देते हैं कि नहीं, कि वे कुछ करते हैं कि नहीं, वे तो वीतराग है ना। बाहु भरत और बाहुबली लड़े तो आदिनाथ को समझाया क्यों नहीं? सारी दुनिया को तो समझाते थे और अपने बेटों को नहीं समझा पाया। अब उनकी तो हम क्या करें कि उनने क्या कर पाया और क्या नहीं कर पाया। तू आदिनाथ को पहचानता नहीं है कि वो वीतराग है, और वीतरागी को कोई भाव ही नहीं आता, ये राग ऐसा राग ही नहीं होता। तू हिसाब लगाया जा रहा है कि अपना बेटा, अपने बेटे काहे के बेटे, किसके बेटे? वे तो जिसने दीक्षा ली थी उसी दिन छोड़ के चले गए थे बेटे बेटे को। इन चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इसलिए इन पर मैं प्रचन करता हूँ। वो तो उसमें ही है,
आप 16 शतक जिसपे अपन व्याख्यान करने वाले हैं शाम से, उसमें एक छंद भी ऐसा नहीं है जो कुंद कुंद की गाथाओं में नहीं है, और क्लियर लिखा है। क्या है शुरू के 2-3 छंद बोलो। अपने में एकत्व और पर से विभक्तता, इसको कहते हैं एकत्व विभक्त आत्मा। यह एकत्व विभक्त आत्मा समय सारों में समझाया है कुंद कुंद आचार्य देव ने। उनसे ही बात शुरू की है, ये उन्हीं की बात हम आपको कह रहे हैं। ये कोई अपना कहने का कोई भाव नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है, हमारे बाप की भी कोई बात नहीं है, उनको ही पता नहीं था। ये तो कुंद कुंद की बात है, उन्हें पता था। तो वो आपको हम गारंटी देते हैं कि कुंद कुंद का, टोडर मल का, जो भी कहेंगे उनका ही सब है। लेकिन जिन बातों पर आपने खूब पढ़ा है, पढ़ाया है, पर आपका ध्यान नहीं गया है, उन पर आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए हम उन बातों पर समझाते हैं। क्योंकि मेरे अंदर में भाव आता है कि यदि मैं नहीं समझाऊंगा भाई जी तो बहुत ये बातें बिना समझी रह जाएंगी। शायद मैंने कल कहा था वहाँ कि मेरे पास अच्युत कांत था, मैंने उसको रखा था अपने पास, वो प्रतिभाशाली था, बहुत टॉपर था, इसलिए रखा था अपने साथ में। तो कहीं काम तो उससे कराते ही नहीं हो, हमारे सब मैनेजमेंट वालों को शिकायत थी, काम तो तुम कराते ही नहीं हो इससे। मेरी पत्नी की भी शिकायत थी कि कैसे नहीं कराता हूँ, तो क्या कराते हो कि मैं ये समझाता हूँ कि बेटा इस छंद का ये अर्थ है, और अब मैं मर जाऊँगा तो तेरी ड्यूटी है कि सबको तू बताए, एक को तो बता जाऊँ, वो बात रहना जाए, ये बताता हूँ मुझे, मुझे इसके लिए रखा है मैंने। अब ये आ गया जिन्हें इसको करता रहता हूँ परेशान, एक घर वाले मुझे बुलाते हैं तो उनको करता रहता हूँ कि बेटा ये समझो, ये बात समझो, आगे तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमने लिया है ना ये ठेका कि हम करेंगे सारे दिन दिन तक पहुँचाएंगे, तो ये इसका जो रहस्य है वो जन जन तक पहुँचाओ। मुझे बहुत भरोसा है इसलिए तुम्हें कहता हूँ, वो पूरा भरोसा नहीं है इसलिए मुझे भी समझाने का भाव आता है। इसलिए मैंने कल कहा था, पहले तो कहता था कि मैं कभी भी मरने को तैयार और कभी भी तक जीने को तैयार हूँ, लेकिन कल मैंने कहा इन विद्यार्थियों से अभी 2-4 साल और जिंदा रहने का मेरा लोभ बढ़ गया है और मैं तुम लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। क्यों भी हैं कि चले गए सब हैं? हाँ मैं तो जानता हूँ, मैं कुछ ही रहेंगे, सब नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब मेरे से आप कोई ऐसी अपेक्षा नहीं रखना कि मैं उद्घाटन भाषण दूंगा, कि मैं समापन भाषण दूंगा, कि मैं अध्यक्षीय भाषण दूंगा, कुछ नहीं, कोई मोई भाषण नहीं है, किसी का कोई नहीं है। मुझे तो जो कहना है, जो भी समय मिलेगा, अपने मरम की जो बात है आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो कहूँगा। बाकी